नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं जस्ट सेवन न्यूज। आज हम आपको बता दें कि आज हम जीवन सेवा सदन में हैं। जीवन सेवा सदन में आज जो इंटर के छात्र आए हुए हैं उनको जो भोजन का प्रबंध किए हैं वो जीवन जी किए हुए हैं, और अपने हाथों से जिस तरह से जो छात्र थे उनको जो अपने हाथों से जो थाली में परोस रहे थे में सेवा का भावना रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अलग अंदाज है। और ये आज ही से नहीं, काफ़ी दिनों से चल रहा है जीवन सेवा सदन। इसके बारे में करीब करीब जितने भी सिवान के लोग हैं सब लोग जानते हैं कि जीवन सेवा सदन कहाँ चलता है, और जो मन में उनके प्रति जो भावना रखते हैं आज के डेट में जो छात्र हैं, जो दो बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन से हम लोग यहीं पर हैं, और उनका जैसे जीवन जी से आज बात हुआ, तो जीवन जी से जो बात हुआ तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या आपका कोई राजनीतिक मुद्दा है, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये जितने हैं मेरे ज़िले के भाई हैं और कोई राजनीतिक नहीं है। अभी हम अपने जो मैंने पढ़ाई के समय दर बदर के जो ठोकरे खाए हैं वो मेरे भाई नहीं खाए, और जितने भी ये जिले के जो ये छात्र हैं वो मेरे भाई समान हैं, और मैं अपने भाई लोगों का सेवा कर रहा हूँ, कोई राजनीतिक पे बात नहीं की। ये लोगों से बातें करेंगे, आइए हम बात करते हैं छात्र लोगों से और देखते हैं। यहाँ पर जो इंटर के छात्र हैं उन लोगों से बातें करेंगे। सबसे पहले बाबू भैया, आपका नाम क्या है जी? विकास कुमार। विकास कुमार जी, विकास कुमार जी कहाँ से आप आए हैं? गोरियाकोठी प्रखंड से। गोरियाकोठी प्रखंड से ये सिवान में ही पड़ता है जी। तो ऐसा है कि यहाँ पे जीवन सेवा सदन के बारे में आपको कैसे पता चला? जी हमको तो 30 तारीख को आए थे रूम लेने के लिए, तो 30 तारीख को मालूम चला, तो हम उसी दिन से है जीवन सेवा सदन में जी। यहाँ सब कुछ का व्यवस्था है, यहाँ तक कि 3 टाइम खाना मिल रहा है, कंबल भी मिल रहा है, सब व्यवस्था है, दवा बीरो सब मिल रहा है, यहाँ पे हर एक चीज मिल रहा है। खाने में आप 30 तारीख से हैं और आज आपको 2-3 हो गया, तो आपको ये बताइए कि कैसा, मतलब खाने में क्या क्या मिला है? बेहतरीन सब कुछ अच्छा मिल रहा है, जैसे घर घर में मिलता है अच्छा, जो हो गया 3 टाइम पूरी भी मिल रहा है, दाल चावल सब मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है। यहाँ अंडा भी, आज अंडा भी बना हुआ है, तो अंडा भी मिल रहा है, आज अंडा मिल रहा है। क्या आप लोगों से जब पूछा गया कि चिकन हो गया, इस तरह का आप कभी पूछे हैं जीवन जी? अभी तो नहीं पूछे हैं, लेकिन चिकन वगैरह मिलना चाहिए। अरे जो मिलेगा तो अच्छा है, रहेगा अच्छा रहेगा, जो अच्छा मिलेगा वो खाएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? कुछ दिक्कत नहीं है, होने का कुछ दिक्कत नहीं है, कम्बल नया नया कम्बल मिल रहा है, दवा मिल रहा है, सोने का सब व्यवस्था अच्छा है। तो जीवन सेवा सदन से आप मतलब किस तरह से प्रभावित है, क्या अभी खुश हैं आप लोग? अरे बहुत खुश हैं। अरे तो पूरा पब्लिक से हम लोग बताएंगे कि यहाँ बहुत अच्छा सब व्यवस्था है, इनको भगवान और बढ़ाए कि सेवा करने का मौका इनको मिले मिले। आप इंटर की परीक्षा देने आए हुए हैं जी? चलिए, कहाँ परीक्षा पढ़ा हुआ है जी? दरोगा राय में पढ़ा हुआ है, दरोगा राय में, पास ही में है जी। चलिए अच्छा है, आपसे बात करके अच्छा लगा। और कोई बात किया, जीवन सेवा सदन में अभी हैं और उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, कभी आप आए नहीं? आपके चैनल को भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके दर्शकों का भी। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई का नाम क्या है? हमारा नाम ऐसे चंदन कुमार है। चंदन कुमार, तो चंदन कुमार जी ये बताइए कि जैसे जीवन भैया हमेशा ये कार्य करते रहते हैं, इस तरह से सेवा सदन करते हैं, मतलब सेवा का भावना रखते हैं और सेवा करते रहते हैं सेवा सदन में, आप लोग को तकलीफ नहीं होता है? क्योंकि भाई भाई को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, मेरा भाई ऐसा क्यों करता है? देखिए हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे पिताजी हों माता जी हों, सबको ये काम अच्छा लगता है कि अगर किसी का भला हो सकता है तो करते रहना चाहिए, जहाँ तक सक्षम हो सके करना चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं करता। इवन हम भी इसमें अपना समय देते हैं 24 घंटे यहाँ पे, उनके साथ लगे रहते हैं, वो जो काम बोलते हैं वो लोग हम लोग करते हैं। देखिए हर आदमी चाहता है कि अगर हम किसी का मतलब सेवा कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा ले, लेकिन आज जो ये इंटर के छात्र आए हुए हैं और इनका खाने का रहने का सोने का जो प्रबंध किया गया है यहाँ पर जीवन सेवा सदन में, बोल रहे हैं जो बच्चे की यहाँ दवा का भी प्रबंध किया गया है, इसके मतलब यहाँ पे किया गया है, लेकिन जो जीवन भैया से आज जो बात हुई तो वो पॉलिटिकल कुछ बात हुई कि क्या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या इस तरह, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अब भी जो है हम ऐसा बात नहीं करेंगे, जो छात्र आए हुए हैं वो केवल मेरे भाई हैं। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए हम लोग जीवन यादव जनसेवा फाउंडेशन के अंतर्गत एक साधारण कार्यकर्ता हैं,
उसी के अंतर्गत जितना सक्षम हो सकता है सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे संडे को कैंप लगाना, गरीबों की मदद करना, शादी विवाह में, श्राद्ध कर्म में, जो भी जहाँ तक सक्षम होता है आदमी करता है। इसी तरह छात्रों के हित को देखते हुए भी हम लोग यहाँ व्यवस्था किए हैं कि उनको कहीं पढ़ाई में रात में दिक्कत ना हो या रहने का कहीं दूर दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चों का हम लोग सुने हैं कि 9 बजे के बाद 3 मिनट लेट होने के कारण परसों एक बच्ची का एग्ज़ाम छूट गया, और अगर दूर रहती होगी तभी ना छूटा है, वैसी परिस्थिति ना हो। इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि आसपास जो लड़के रह रहे हैं या जो दूर के हैं उनको एग्ज़ाम ना छूटे, खाने पीने का गजन दिक्कत ना हो। इसी के लिए हम लोग ये जीवन यादव जनसेवा फाउंडेशन के अंतर्गत कार्य करते हैं। रह गया राजनीतिक हित, तो राजनीतिक हित फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोग कोई नहीं चलाते हैं। अगर राजनीतिक हित रहता तो 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना पहले से ये कार्य करते हैं। हम लोग लगभग 1.5 साल, 2 साल होने को जा रहा है इस फाउंडेशन को चला रहे हैं अपनी व्यवस्था से, और हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अगर आप सुन रहे हो और समझ रहे हो तो हमारे फाउंडेशन को कुछ डोनेशन कीजिए, जिससे कि हम लोग और भी बढ़ चढ़ के लोगों की मदद कर सकें। तो इन्होंने कहा कि जो जीवन सेवा सदन चल रहा है ये एक फाउंडेशन है, और फाउंडेशन में अगर आप सुन रहे हैं तो इन्होंने ये भी अपील किया कि अगर आप लोग डोनेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि अभी जो हमारे स्तर अभी धीरे धीरे ज़मीन से उठ रहे हैं तो वो कल के डेट में आसमान छुए, और सिवान के जितने छात्र हैं कहीं दर बदर ना भटके, और दिल से जो सेवा निकल तो रहा है लेकिन और जो दिल और मन और तन धन जो लगता है टोटल से सेवा और निकले, और जो बच्चे आए यहाँ पर खुशी खुशी रहें और सब साथ रहें, यही इनका कहना है। चलिए आपसे बातें करके अच्छा लगा, फरमा रहे हैं और कुछ बच्चे एक्टिव हैं जो बात करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम डब्लू कुमार है। डब्लू कुमार, हाँ। कहाँ से हैं आप? हम गोरियाकोठी विधान से हैं। गोरियाकोठी विधान से? गोरियाकोठी विधान से आए हुए हैं अभी, मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ के छात्र हैं आप? जैसे इंटर के तो हैं लेकिन सब्जेक्ट आपका क्या है? हमारा पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस, 8 से हैं हम लोग। 8 से हैं। जीवन भैया आपको कैसा लगते हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं। बढ़िया लगते हैं, हाँ। क्यों? अरे सब कुछ मैंने फ्री मिल रहा है, खाना पीना सोना दवा दवाई सब फ्री में मिलता है। चीज फ्री में मिलता है? क्या जीवन सेवा सदन में आकर कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हाँ। है, मजा आ रहा है। मजा आ एग्जाम देने अगर जा रहे हैं तो खुशी खुशी जा रहे हैं? हाँ, खुशी खुशी जाते हैं हम लोग। चलिए, ऐसा बात हुआ है आप लोगों से? हाँ हाँ हाँ। आज खाने में क्या है? आज अंडा है, अंडा कढ़ी। हाँ। तो देखिए, जो अंडा कढ़ी आज यहाँ पर है और काफी बच्चे यहाँ पे मतलब उत्साहित भी हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा चीज मिलता है तो थोड़ा मजा भी आता है, और आज अंडा कढ़ी चावल है और मजा आ रहा है। कैसा लगता है? अंडा कढ़ी खाते हैं आप? हाँ। नॉन वेज नहीं? वेज नहीं है आप? नहीं नहीं, नॉन वेज है। अच्छा है, सब क्या है? मोए मोए एकदम अच्छा है। बच्चे कह रहे हैं मोए मोए, तो जीवन भैया का एक बार जयकारा लगाइएगा लोग। जी लगाइए थोड़ा सा। जीवन भैया जिंदाबाद, जीवन भैया जिंदाबाद। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर जीवन भैया जिंदाबाद का नारा भी लगा दिए, खाने के लिए तो लाइन में लगे हैं, लेकिन इसी जीवन सेवा सदन में जिस तरह से जीवन भैया ने सेवा का भावना रखा है इसने स्टूडेंट इस छात्र के प्रति, तो जीवन भैया जिंदाबाद का नारा भी लगाया। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जीवन सेवा सदन में हमेशा से सेवा का यहाँ पर प्रबंध रहता है, जो लोग भी आता है यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है, और ऐसे हकीकत और ऐसे सच्चाई हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ, यस एबीएन न्यूज के साथ, धन्यवाद।